नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर केंद्रीय जेल के बंदी के इलाज के दौरान मौत। मुरैना में एक बकरे को वीवीआईपी बंगले में घुसना पड़ा महंगा, उसे कोतवाली पुलिस ने हवालात में किया बंद। ग्वालियर में एक युवक के अपहरण एवं मारपीट के मामले में फरार दो इनामी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ने में की सफलता हासिल। और ग्वालियर के कंपू स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के दफ्तर में अचानक लगी आग, आग लगने से यहाँ रखा रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर के एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की आगवानी करने पहुंचे मंत्री लाखन सिंह को रोक दिया गया। इस बात पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह भड़क गए और साथ ही यहां कोई वरिष्ठ अधिकारी के ना होने के कारण कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला। के एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आगवानी करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री को अंदर जाने से रोक दिया। यह वही कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सुरक्षा कर्मी सीआईएसएफ के जवान पर भड़क पड़े। इस दौरान गेट पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में मामले की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आ पहुंचे और जिसने मंत्री जी को शांत करा दिया और वे अंदर चले गए। दरअसल ग्वालियर में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की आगवानी करने एयरपोर्ट पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सीआईएसएफ जवान पर भड़क गए। भड़कने का कारण बताया जा रहा है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को प्रवेश द्वार पर सीआईएसएफ जवानों के द्वारा रोका गया। इसके बाद सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। इस दौरान एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर अव्यवस्था का आलम रहा। मेन गेट पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। गुस्साए मंत्री ने सीआईएसएफ जवान से जिम्मेदार अधिकारी को बुलाने के लिए कहा तो सभी बंगले झांकते नजर आए। इस दौरान जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में प्रशासनिक अधिकारी वहां आ गए, जिसके बाद तमक तमाए मंत्री पैर पटकते हुए मेन गेट के अंदर चले गए। अभी भिंड गए, भिंड से लौट के आएंगे, फिर माननीय नरेंद्र सिंह जी के यहाँ, उनकी माता जी के उसमें शामिल होंगे और उसके बाद क्या कहना चाहेंगे। निश्चित तौर पर माता जी का, उनकी का निधन हुआ है, ये काफ़ी दुख है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे समय पर हमारे भाई नरेंद्र सिंह जी और पूरे परिवार को ऐसे समय में कष्ट की घड़ी में उन्हें हिम्मत देने का ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। वैसे वो काफ़ी बुजुर्ग थी, लेकिन फिर भी घर से अगर कोई सदस्य जाता तो निश्चित तौर पर दुख का विषय होता। ग्वालियर केंद्रीय जेल के बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल प्रशासन का कहना है कि बंदी एड्स से पीड़ित था। सेंट्रल जेल के बंदी की इलाज के दौरान कल मौत हो गई। जेल प्रशासन का कहना है कि बंदी एड्स से पीड़ित था, जबकि मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर मौत की वजह स्पष्ट नहीं करने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू पुत्र चौबीस सिंह चौहान उम्र 45 वर्ष निवासी धौलपुर राजस्थान को इलाज के दौरान जेएच में भर्ती कराया गया था। राम दुलारे जी, कौन है आपके, क्या लगता है? ये मेरा भाई है, छोटे से की जा राजू। क्या ना, क्या कौन सी सजा, कौन सी केस में अंदर गए थे, क्या था केस में? तो कोई ऐसा मतलब मालूम नहीं कौन सा केस, पर केस बस एक तो राजीनामा है, देखो कैसे आए रोज आम है और फिर बस पकड़ गया पुलिस में। कहाँ पर डेथ हुई है? जेल में मौत हुई है। पकड़ा हो तो जामा है। मौत कहाँ पर हुई है इनकी? जेल जहाँ जामा है भैया, जेल में। जेल में कैसे, क्या कुछ पता पड़ गया? ये पूछ रहे तो कोई बता ही ना रहा, मार रहे क्या, क्या पैसे मारो, क्या बात है, कोई जानकारी नहीं है। नहीं मार रहे हैं। कौन की? राजू की। राजू की वैसे 38 साल की होगी। साल कुछ कारण सामने नहीं आ रहा है कि किस कारण से उनकी मौत हुई है, कोई कारण सामने आया क्या? नहीं कोई कारण ही नहीं आया। हमें तो यही लगा कि खूब राजी खुशी अच्छा हो, अब कैसे मालूम, पूछ रहे थे या बताना रहे, अब कोई बता रहे तो हमें मालूम पड़े। ठीक है, इन्हें मारो है कि अपने आप मरो है कि कैसे मरो है। उसमें बंदी जो अन्नाटाल प्रेगनेंस था हमारा, उसकी 8 तारीख को शाम को लगभग 6:20 पर उसकी डेथ हो गई है। एक्चुअली बंदी HIV से पीड़ित था और एड्स का मरीज था। उसको कई बार GH भी भेजा, उसका प्रॉपर इलाज भी चल रहा था, बट उस स्थिति में पहुंच गया था कि उसकी डेथ हो गई। किसी कब से सजा काट रहा, किस मामले में सजा काट? ये अंडर ट्रायल प्रिजनर था हमारे पास, 147-148 विशेष न्यायालय डकैती ग्वालियर का था बंदी, और ये रेबियापुरा थाना वसेड़ी धौलपुर का था बंदी था। तो
राजस्थान। क्या उम्र थी? इसका नाम राजू सिंह चौहान था, लगभग इसकी 45 साल उम्र था जी। कब से बंद था उसने? ये हमारे पास जेल में 22/5/2019 को सेंट्रल जेल ग्वालियर ने प्रवेश किया था, तब से आया था। प्रॉपर इसका इलाज चल रहा था, एड्स की दवाइयाँ चल रही थी, बट उस स्थिति में इसकी डेथ हो गई। अस्पताल भेजा, अस्पताल में ऐसा सूचना आई कि इसकी डेथ हो गई। मुरैना में एक बकरे को वीवीआईपी बंगले में घुसना महंगा पड़ गया, उसे कोतवाली पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। जब इसकी खबर उसके मालिक को लगी तो मालिक ने थाने जाकर उससे छुड़ाया। देखिए मुरैना से हमारे संवाददाता आरडी शर्मा की खास खबर। कल चला गया था अंदर, पता नहीं अंदर चला गया कि कोई बंगले में घुस गया था, तो उन्होंने पकड़ लिया था, तो हम कल ले गए थे इसे। बस अरे चाचा काम करते थे, उन्होंने बताया कुछ नहीं, उन्होंने कह रहे थे देखभाल के रखा था, वो रस्सी में रस्सी तोड़ के चलाया बस। बकरा घूम रहा था यहाँ, किसी व्यक्ति ने मुझे फोन लगाया था कि रोड पर कोई बकरा घूम रहा है, काफी देर से घूम रहा है, घंटा करीब हो गया है। तो हमने कहा, हमने सोचा कि सर कहीं किसी का होगा, तो हमने उसको बगल वहाँ बुलवा करके यहाँ कोतवाली में रख दिया था। उसका सुबह उसका मालिक आया था कि साहब छूट गया था जी, उसको लेके चला गया। ये पूरी बात है, पूरी रात को ले जाता, किसी को मार देता और दिक्कत पड़ती, इसलिए इसको सुरक्षित रखा या बाहर रखा रहा, फिर चला गया। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा वार्षिक गोट का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। जो भी रह रहे हो, जो भी आए हो, उन्हें धन्यवाद एक बार में। मेरा जिन साथियों से निवेदन है कि जो भी भोजन के लिए बैठना है उन्हें धन्यवाद है। पक्ष वाले लोग बैठेंगे, दोबारा बैठेंगे सब लोग, अब ये खा लेंगे संगत तो बैठी नहीं तो फिर बैठ गए। ग्वालियर में एक युवक के अपहरण एवं मारपीट के मामले में फरार दो इनामी बदमाशों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को नामजद किया था और 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और तलब है कि 21 अप्रैल 2018 को महाराजपुरा निवासी प्रदीप सिंह भदौरिया को रामलीला मैदान से अगवा कर 4 युवक SUV कार में ले गए, और पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ता प्रदीप को आरोली के हार जंगल में ले गए थे, उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद आरोपी प्रदीप को SLP कॉलेज के बाहर अधमरी हालत में छोड़कर भाग निकले थे। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को नामजद किया था। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसी मामले में फरार 2 इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके नाम संजय कुमार और अजय शर्मा बताए गए हैं। फिलहाल एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी संभावित ठिकानों पर दाविश दे रही है। फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया निवासी महाराजपुरा क्षेत्र का रहने वाला था, उसको इन लोगों ने 21/4/2018 को रामलीला मैदान से पकड़कर XUV500 गाड़ी में ले गए थे। आलोरी के हार में उसकी मारपीट की, मारपीट करने के बाद SLP कॉलेज के पास छोड़ गए थे। आरोपी इसमें अरविंद, संजय, अजय, लेखराज ये लोग थे, तो विवेचना के दौरान कल इनको पकड़ा था। संजय, अजय पुलिस रिमांड लिया था, उसके बाद आज कोर्ट में भेज दिया। अभी कितने आरोपी पकड़े? सिर्फ एक रह गया है, 4 पकड़ लिए इसमें। तो क्या पूरा मामला निकल के आया, कारण क्या था? कारण पुरानी रंजिश को लेके मारपीट हुई थी, बस पुरानी रंजिश थी। ग्वालियर के कंपू स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के दफ्तर में अचानक आग लग गई।
आग लगने से यहाँ रखा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। ग्वालियर के कंपू स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के दफ्तर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना फायर विकेट के कार्यालय को दी गई। मौके पर पहुंची फायर विकेट की गाड़ियों ने आग को बुझाया। आग में दफ्तर में रखे कागजात और सामान जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत 4 लाख से अधिक बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, लेकिन कंपू थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया खेल परिसर ग्वालियर कंपू क्षेत्र में स्टोर में आग लगी है। तत्काल नजदीक स्टेशन 1200 स्टेशन गाड़ी को भेजा गया। आग ज्यादा होने से एक गाड़ी हेडक्वार्टर से भेजी गई, कुल 2 गाड़ी पानी फायरिंग करके आग को बुझाया गया। इसमें स्टोर में जो है खेल का सामान रखा हुआ था, नुकसान का भी आज्ञा था। अभी नुकसान आज्ञा तो बताया गया नहीं। देवेंद्र कुमार जखनी, असिस्टेंट फायर ऑफिसर। परिषण पर्व के 7वें दिन उत्तम तप धर्म विषय पर भारत गौरव मुनि शिपलक सागर महाराज ने प्रवचन दिए। उत्तम तप है, आज सहना तो पड़ता है। आम पकता है तपने के बाद, अंगूर मीठा कब होता है? ठंडी में अंगूर खाओ तो कोई स्वाद नहीं होता उसका, बारिश में अंगूर खाओ तो कोई स्वाद नहीं होता है। अंगूर स्वादिष्ट तब होता है ज्यो ज्यो गर्मी पड़ती है, अंगूर मीठा होता है। ध्यान रखना, नासिक साइड जाओ, अंगूर के बड़े बड़े बाग हुआ करते हैं। जितनी गर्मी पड़ेगी अंगूर उतना मीठा होता है, जितनी गर्मी पड़ेगी आम उतना मीठा होता है। आम पकता है तपने के बाद, अंगूर पकता है तपने के बाद, सोना निखरता है तपने के बाद, कुंदन बन जाती है उसकी काया तपने के बाद। और एक बात याद रखना, आत्मा परमात्मा बनती है तपने के। दूध तपने से पहले तपेला तपता है, यदि तपेला गर्म नहीं होगा तो दूध भी गर्म नहीं होगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं, आत्मा दूध है तो शरीर तपेला हुआ करता है, और जब तक ये नहीं तपेगा तब तक आत्मा तपने वाली। जो वर्तमान को कुर्बान कर देता है ना, उसका भविष्य स्वर्णिम हो जाया करता है। और जो लोग वर्तमान को बचाते हैं उनका भविष्य कुर्बान हो जाया करता है, उनको भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार याद रखना, रोज रोज कष्ट सहने से अच्छा जिंदगी में एक बार कष्ट सह लो, हमेशा हमेशा को निर्वाण की यात्राएं हो जाएंगी। हम लोग तो वैसे ही पत्थर हैं जिन पे हर जन्म में नारी फोड़ा जाता है, और ऋषभ देव और महावीर वो पत्थर हैं जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाया कर। तपश्चर्या बिना जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना सूरत वालों, जितना गृहस्थी को तुम जानते हो उससे ज्यादा मुनि जानते हैं। समझ में आ रहा? यदि कोई गृहस्थी को नहीं जानता ना तो वो कभी मुनि बन ही नहीं सकता है, नियम है। जितना तुम जानते हो उतना हम भी गृहस्थी को जानते हैं। फर्क इतना है कि तुम गृहस्थी को जानकर उसमें डूबते हो और हम गृहस्थी को जानकर उससे उबते हैं। फर्क इतना ही हुआ करता है, हम उसे छोड़कर आ जाते हैं और तुम उसी में डूबते रहते। फर्क कोई ज्यादा नहीं है। हम नहीं जानेंगे संसार तो वैराग कैसे होगा, हम नहीं जानेंगे संसार की चीजों को तो विरक्ति कहां से होगी। जानकर ही वैराग्य लिया जाता है। इन झंझटों में कौन पड़े? और एक तुम इतने महान भाव हो कि जानने के बाद भी अभी तो दिल जवान है। क्या हुआ ना, इस संसार की चीजों की याचना मत करना अपनी तपस्या से। इतना ही कहना, भगवान भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। ओम रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्वालियर केंद्रीय जेल के बंदी के इलाज के दौरान मौत। मुरैना में एक बकरे को वीवीआईपी बंगले में घुसना पड़ा महंगा, उसे कोतवाली पुलिस ने हवालात में किया बंद। ग्वालियर में एक युवक के अपहरण एवं मारपीट के मामले में फरार 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ने में की सफलता हासिल।
और ग्वालियर के कंपू स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के दफ्तर में अचानक लगी आग। आग लगने से यहाँ रखा रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।